तुम्हारी शहादत पे इंकलाब आएगा रोहित, तुम्हारी शहादत पे इंकलाब आएगा, बहुजनों की भारी भीड़ का सैलाब आएगा। रोहित तुम्हारी तुम्हारी शहादत पर इंकलाब आएगा, बहुजनों की भारी भीड़ का सैलाब आएगा। और अभी तो ये जंग की शुरुआत हुई है, अरे अभी तो जंग की शुरुआत हुई है, आगे आगे झुकने को जमीन पर आफ्ताब आएगा। आफ्ताब कहते हैं सूरज को, सूरज भी नतमस्तक होगा हमारे सामने। क्यों मित्रों, अभी कवि सम्मेलन से आ रहा हूं, एक राष्ट्रीय कवि सम्मेलन, अखिल भारतीय कवि सम्मेलन था, अपने समाज से मात्र मैं था। एक बात पीड़ा की विषय, एक कवि के द्वारा भी कह दिया गया कि देश में राष्ट्रद्रोही भावनाएं जो है ज्यादा बढ़ रही हैं, और इशारों इशारों में उसकी बात समझ रहा था, क्योंकि मैंने पोस्टें आरएसएस की पढ़ चुका हूं। उन लोगों ने कहा कि रोहित जो था राष्ट्रद्रोही था, और उसको पूरी तरीके से राष्ट्रद्रोही घोषित करने की कोशिश की गई है, और हम लोगों को सीधे सीधे आतंकवादी ठहराने की कोशिश करते हैं। तो एक बार हमें और आपको हिम्मत दिखाने की जरूरत है, तो तब बात कहने की कोशिश करता हूँ कि देश के अंदर जितने भी ये खाकी नेकर कच्चे हैं, अरे एक बार प्रण कर लेना, अगर मेरी आवाज आप लोगों की आवाज हो तो एक बार करतल धोने के साथ मेरा स्वागत करना। अरे देश के अंदर जितने भी ये खाकी नेकर कच्चे हैं, अरे देश के अंदर जितने भी ये खाकी नेकर कच्चे हैं, अंबेडकर के सामने मानो जैसे सारे बच्चे हैं। अरे और अगली दो पंक्तियों पे समर्थन इतना देना कि देश के अंदर मैं इन चार पंक्तियों को पढ़ सकूं। कॉपी जचवाने की कोशिश कर रहा हूं, शांति स्वरूप बोध जी, देश के बड़े नाम जिनके समक्ष लोग बैठ करके उनसे बोलना सीखते हैं, हम सामने बैठकर उनको सुना करते थे, आज उनके सामने कविता पढ़ने का एक मौका मिला है। बात कहने की कोशिश करता हूं कि देश के अंदर जितने भी ये खाकी नेकर कच्चे हैं, अरे देश के अंदर जितने भी ये खाकी नेकर कच्चे हैं, अंबेडकर के सामने मानो जैसे सारे बच्चे हैं। हक मांगते हैं हम अपना आतंकवादी कहते हो, अरे हक मांगते हैं हम अपना आतंकवादी कहते हो, अरे ठोको इनको बतला दो हम आतंकी ही अच्छे हैं, ठोको इनको बतला दो हम आतंकी ही अच्छे हैं। और मित्रों देश के अंदर क्या षड्यंत्र चल रहा है आप नहीं जानते, हम नहीं जानते, और शायद उनकी गतिविधियों को, क्योंकि जो गोपनीय दस्तावेज हैं, क्योंकि सरकार अब उन लोगों की आ चुकी है, हम लोगों को इकट्ठा होने की जरूरत है। और यही हमारा और आपका परिणाम रहता है, जब एक रोहित की आत्महत्या हो जाती है तो उसके बाद जब देश का बहुजन जागता है तो कहीं ना कहीं लखनऊ यूनिवर्सिटी में भी मोदी गो बैक के नारे लग जाते हैं। तो हमें और आपको जागने की जरूरत है। एक बात कहता हूं कि हम जो जागे ये भीड़ दिखाने की कोशिश करते हैं, अरे हम जो जागे अपना तुम वो वंश तक ना पाओगे, अब की जो हुंकार भरी तो मिट्टी में मिल जाओगे। हम और आप एक प्रण कर लो बस, हमें अपना राजा बनाना है कैसी ना कैसी, क्योंकि इतने 65-68 साल हमारे देश के